विधानसभा के विधायक महेश परमार के नेतृत्व में हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उज्जैन कलेक्टर का घेराव कर सोयाबीन की हुई बर्बाद फसल को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान मांग की गई कि किसानों के लिए आर्थिक रूप से तुरंत विशेष राहत पैकेज दिया जाए। विशेष राहत पैकेज में तराना विधानसभा सहित उज्जैन जिले के सभी किसानों को सम्मिलित किया जाए। साथ ही किसानों ने जो सोयाबीन की फसल का बीमा करवाया, जिसकी प्रीमियम भी उन्होंने भरी है, उसकी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए तुरंत सर्वे कराकर तत्काल बीमा राशि दिलाने का कार्य भी किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व पार्षद रवि राय, विक्की यादव, सुरेंद्र मर्मट सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। 8 दिन में हमारे उज्जैन, मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना पूरे उज्जैन जिले में सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पीला मोजक और उसमें फफूंद लगना, अपने आप हरी सोयाबीन का लटकना, पूरी तरह सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। हम उज्जैन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को यह हमारी मांग रखने आए थे कि तत्काल किसानों को मुआवजा, विशेष राहत पैकेज और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उन्हें दिया जाए। पिछले 8 दिन से लगातार 3 बार हमने उज्जैन कलेक्टर से बात की, उसके बात करने के बाद भी इनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन आज पूरे जिले से और उज्जैन तराना से हमारे से हजारों की संख्या में किसान साथी यहाँ आए, तो कलेक्टर जब उनके जागे और गांव-गांव में उन्होंने आदेश किया और सर्वे करने लगे, तो हम कलेक्टर साहब को यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुलाम के रूप में काम नहीं करें, किसानों की बात सुने। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 40,000 रुपये प्रति हेक्टर किसानों को देता, तो आज वो मुख्यमंत्री है। कमलनाथ जी ने तो पिछले बार अतिवृष्टि हुई थी, बिना सर्वे के मुआवजा दिया था, वही बात हम रखने आए थे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती, 7 दिन के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज दुख की घड़ी में किसान भाई कोरोना के नाम पर हर समय किसानों को लूटा जा रहा है, आज तक गेहूँ के पैसे नहीं मिले, बिजली के 100 रुपये के बिल आते तो 2,000-3,000 रुपये आ रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है और आगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। देख लो, आप देखो ना, अभी आपने देखो ना, नेता दिख रहे हैं भैया, तीन लोग ऑक्सीजन के कारण माधवनगर में मरे हैं, क्या कहना चाहिए? यही तो मैंने बोला, यही तो भारतीय जनता पार्टी गुलामी कर रहा है। कलेक्टर उज्जैन दोषी है इसमें, और यहाँ के सीएमएचओ, सीएमओ, सिविल सर्जन, जितने भी अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, 3 लोगों की जान की कीमत उनके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश के मंत्रियों की और इसकी गुलामी करने में लगे, उनकी चाटुता कार्यकारिता करने में लगे। मैं उज्जैन की भोली भाली जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ हजारों की संख्या में आए, सभी नियम कोरोना के जनता के लिए, किसानों के लिए, इनके लिए कुछ भी नहीं। ये लोग आज आपने देखा 3-3 लोगों की जान चली जाती है। आज जागरूक मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से बात बाहर आई। उज्जैन कलेक्टर साहब सुन लें, अगर इस तरह उज्जैन के लोगों की जाने जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ उज्जैन के जागरूक जनता जनार्दन से कि आप लोग आगे आए, आप लोग इन 3 लोगों की जान का बदला इनसे ले, ये दोषी हैं, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अधिकारी का कहना है कि अगर ऑक्सीजन के कारण उनकी मौत होती तो दूसरे अन्य मरीज वहाँ पे थे वो भी मरते उससे। जब लाइट वहाँ चली जाती है, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, किसी की क्षमता ज़्यादा होती है, 3 लोग की मृत्यु के लिए इनके कोई मायने नहीं है। सबसे भ्रष्ट और चोर सीएमएचओ खंडेलवाल, पहले भी उनके ऊपर लोकायुक्त की जांच से लेकर सब कुछ चला, उज्जैन कलेक्टर साहब की सेवा वो करते हैं, 3-3 लोगों की मौतें हो जाती है, आपने देखा। यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, मैं तो भाजपा के सभी हमारे साथियों से कहना चाहता हूँ, जो सेकंड पंक्ति के लोग, आप भी बाहर आइए, ये महामारी कहीं आपको भी चपेट सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है, इससे बड़ी शर्म की बात उज्जैन कलेक्टर और उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या हो सकती है और मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकती है? बड़ी दुख दर्द की बात है, बड़ी निंदनीय बात है। कांग्रेस ने नियुक्त किया था इनको, खंडेलवाल जी, कांग्रेस ने हटा दिया था उस समय, है ना, कांग्रेस ने हटाया था। कोई बात नहीं, आवाज़ पीछे जाएगी, अन्य तहसीलों का भी प्रबंध किया है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो लास्ट डेट था वो अभी 31 अगस्त को दिया गया है, और चूंकि अभी 3 दिन बाकी है, लेकिन संडे को हमारे यहाँ लॉकडाउन होने से हम इसमें विशेष छूट दे रहे हैं कि सभी बैंक जो यहाँ पे सिचुएटेड है वे सभी अपने वर्किंग आवर्स में खुली रहेंगी, जिससे कि फसल बीमा योजना में कोई भी किसान जो है वो पंजीकृत होने से वंचित न रहे। Thank you.